हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपके बीच से सुना कि प्रैक्टिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस नहीं हो रहा है, तो मैंने आज सोचा कि आज कॉलेज चल के आपको कम से कम यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको मैं सॉक्सलेट एपरेटस के बारे में आज आपको डिस्कस करूँ। तो बेसिकली सॉक्सलेट एपरेटस को हम लोग कंटिन्यूअस हार्ट पॉपुलेशन मेथड बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, करीब करीब 3 आवर्स का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस। कम से कम 3 साइफलिंग होनी चाहिए। दिस वन अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या होता है। पहले तो एपरेटस के साथ जो भी असेंबल हमको करना है उसमें हम क्या क्या लेंगे। तो अभी मेरे टेक्निकल स्टाफ ने काफ़ी हेल्प किया और ये सारा सामान इकट्ठा किया और हम लोग पूरे दिन की तैयारी के बाद से आपको एक सॉक्सलेट एपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। तो बेसिकली जो पहला हम आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने लिया है हीटिंग मेटल, ठीक है। हीटिंग मेटल लेते हैं क्योंकि हार्ट पॉपुलेशन मेथड है, इसको हीट करना है तो हमको हीटिंग मेटल लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने ले रखा है राउंड बॉटल फ्लास्क करीब अप्रॉक्स 250 ml इससे 500 ml तक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको लेबोरेटरी स्केल पे काम करना है। 50 ग्राम ड्रग है, 250 ml आपको केमिकल लेना है, सॉल्वेंट सिस्टम जो आप लेते हो ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आप बेसिकली उसके लिए 250 ml या 500 ml आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका है एक्सट्रैक्टर, इसको आप एक्सट्रैक्टर बोलो, साइंटिफिक नेम है इसका सॉक्सलेट एपरेटस। अभी ये सॉक्सलेट एपरेटस में देख रहे होंगे कि बहुत सारे साइड ट्यूब भी लगे हुए हैं, तो जो हम लोग इसको इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं साइफर, जिससे साइफरिंग होती है ड्रग की। प्रॉपर जो ड्रग साइकिल होता है और विद इन 30 मिनट या 40 मिनट के बाद एक साइकिल कम्प्लीट करता है, तो ये ड्रग की साइफरिंग होती है। और सॉल्वेंट जो है लास्टली आपके इसके अंदर सॉल्वेंट है, बॉयल हो रहा है, फिर ड्रग की साइफरिंग हो रही है, वेपर्स आउट होते हैं इससे, वेपर्स इससे आउट होते हैं। जो साइड ट्यूब लगा हुआ है ये थोड़ा सा मोटा ट्यूब है, इसको हम लोग वेपर्स ट्यूब बोलते हैं। वेपर्स ट्यूब के थ्रू जो भी वेपर्स आपके इस राउंड वाटर फ्लास्क में बन रहे हैं, वेपर्स आपके एक्सट्रैक्टर में जाएंगे, जो एक्सट्रैक्टर का चैम्बर बना हुआ है, जो सॉक्सलेट एपरेटस है उसका ये चैम्बर है, जिसके अंदर अभी हम आपको बताएंगे पैकिंग कैसे करना है। तो वेपर्स इसके अंदर जाएंगे और वेपर्स फिर बनेगा और ये धीरे धीरे वेपर्स इसके जब इससे ऊपर निकल जाता है साइफरिंग ट्यूब से, ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और ये साइफन होके लास्टली फिर इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यही प्रोसेस हम 2-3 बार कम से कम करते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स, क्योंकि आप जो भी सॉल्वेंट लोगे वो कलरलेस सॉल्वेंट रहेगा, तो कलरलेस सॉल्वेंट लास्टली अगर आप सिंथ को जो भी आप क्यूमिन ले रहे हैं या टर्मरिक ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं, तो हल्दी कलरिंग एजेंट है, लास्टली वो जो आपके कलरलेस सॉल्वेंट है वो आपका कलर्ड हो जाएगा। अगर पाइपरीन ले रहे हैं तो पाइपरीन हमने देखा है कि ब्राउनिश कलर का हो जाता है या ग्रीनिश कलर का हो जाता है, जो भी सॉल्वेंट सिस्टम है, तो ऑब्वियसली है कि आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर आ जा रहा है। देन अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एक इस पर प्रिकॉशन आपको लेना है। प्रिकॉशन मैंने देखा है कि होता क्या है कि आप इसको लगा देते हैं, इसमें हम लोग जो भी वैसलीन है, वैसलीन यूज करते हैं पैकिंग के लिए। वैसलीन लगाने से ये होता है कि एयर टाइट नहीं होता है, एयर टाइट हो जाता है तो ये जल्दी खुलता नहीं है। देखे होंगे जो कांच का ढक्कन है, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो ओपन नहीं होगा, अगर वहाँ ग्लिसरीन लगा हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम जहाँ पे भी ज्वाइंट है वहाँ पे ग्लिसरीन का यूज करेंगे। आप हीट करते हैं तो कभी कभी ये सॉल्वेंट सिस्टम है, केमिकल है, इनफ्लेमेबल केमिकल है, ज्वलनशील होता है, तो जो ड्रग जो सॉल्वेंट की बम्पिंग होती है जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तो बम्पिंग ना हो तो उसमें कुछ आप जो है चाइना डिश का जो भी टुकड़ा है या कोई कांच का टुकड़ा है उसके अंदर डाल दोगे तो बम्पिंग नहीं होगा, तो केमिकल का पंपिंग रोकने के लिए उसमें हम डाल देते हैं। तो ये 2 प्रिकॉशन आपको लेना है सॉक्सलेट जो भी कंटिन्यूअस हार्ट पॉपुलेशन मेथड के प्रैक्टिकल में। देन आप देख रहे होंगे कि हमने कंडेंसर लिया है, कंडेंसर के अंदर 2 हमने रबर ट्यूब लगा रखा है, ठीक है। जब तक
कूल नहीं होगा वेपर्स, तब तक उसके अंदर साइफन के अंदर आएगा नहीं जो भी चैम्बर है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इनलेट लगा रखे हैं और एक आउटलेट लगा रखे हैं। ऑब्वियस है कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग को कूलिंग करना है और इसको इस तरह से फिटिंग करना है, ठीक है। तो जो भी हम लोग फिटिंग करते हैं इसमें, इस यहाँ पे भी आप वैसली लगा दोगे तो ये एयर टाइट नहीं होगा, जब आप इसको निकालोगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। तो इसको हम लोग इनलेट बोलते हैं, क्योंकि इनलेट वहीं लगाते हैं जहाँ पे हीटिंग का पोर्शन है, ये आउटलेट हो गया जिससे आपका गर्म वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये आपका हो गया इनलेट और सेकेंड वन हो गया आउटलेट। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टैंड है, हमने तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैंने दो सपोर्टिंग स्टैंड ले रखा है, एक मैंने राउंड वाटर पर लगाया है और एक मैंने सॉक्स नेट एपरेटस पर लगाया हुआ है, जिससे ये प्रॉपर तरीके से जब बम्पिंग हुई, हल्की फुल्की बम्पिंग हुई हो, बॉइलिंग हो, तो ये गिरे ना, तो ये प्रिकॉशन आपको लेना है। इसके अलावा ये मैंने ले रखा है फैनल, फैनल को हम ऊपर की तरफ डाल देते हैं, ठीक है। अब फैनल को इसलिए इस पर डालते हैं कि जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट को डालने के लिए हम यहाँ से फैनल से के हेल्प से डालेंगे। आपको इसके अलावा मैं बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप जो भी ड्रग लेते हैं एक्सट्रक्शन के लिए, वो ड्रग बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा और सजेशन दूंगा, क्योंकि मैंने जितनी बार प्रैक्टिकल किया है स्टूडेंट लाइफ में, अगर मुझे टीचर ने नहीं बताया तो प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से, सारे लोगों को जो मेरा वीडियो देखेंगे उसके माध्यम से एक सजेशन दूंगा कि ड्रग कभी भी सॉफ्टवेयर एपरेटस में फाइन पाउडर लेना है, सॉरी कोर्स पाउडर लेना है। फाइन पाउडर लेंगे तो चोकिंग का प्रॉब्लम होता है, आप देख रहे होंगे कि इसके स्पेसेस कितने जाते हैं, अगर इतने स्पेसेस हैं तो अगर ड्रग का कोई भी अगर फाइन पाउडर इसके अंदर चल गया तो ये चोक हो जाएगा, आपका सारा मेहनत अगर एक साइकिल या दो साइकिल के बाद ये रुक जाता है तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, आपको फिर से इसको खोलना पड़ेगा और दोबारा असेंबल करना पड़ेगा और फिर से साइकिल करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी रिसर्चर या कोई भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है वो दोबारा प्रोसेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको उस असेंबल करने में, ड्रग को लाने में, बाहर से ड्रग परचेज कर रहा है, कोई भी न्यू ड्रग है, अननोन ड्रग है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमेशा ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपका ड्रग बेकार ना हो और आप इसको प्रॉपर तरीके से सिर्फ कोर्स पाउडर लें, कोशिश करें कि कोर्स ही लें। देन मैं आपको पैकिंग के बारे में आज बताऊंगा कि ड्रग की पैकिंग कैसे है, चैम्बर जो रहता है उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, जो सॉक्सलेट एपरेटस है उसकी पैकिंग कैसे करते हैं। तो पैकिंग के लिए हमने एक सिंपल, आप देखे होंगे मैं फिल्टर पेपर लिया हूँ, फिल्टर पेपर चैम्बर के साइज का लिया हूँ, जो भी चैम्बर है चैम्बर्स के साइज का मैंने फिल्टर पेपर लिया है। फिल्टर पेपर को हम झालर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर काट लेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमने बढ़ा लिया है चैम्बर के साइज का लिया है, लेकिन जो एक्सट्रैक्टर वाला चैम्बर है उससे मैंने 2 सेंटीमीटर यानी अप्रॉक्स इस पोर्शन को मैंने ज्यादा लिया है, जो पोर्शन कंडेंसर से अटैच्ड है। तो इसको हम झालर की तरह थोड़ा सा काट लेंगे, हम इसमें थोड़ा टाइम देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि झालर को काट प्रॉपर तरीके से बराबर हम काट लेंगे। इसको काटने से ये फायदा होगा कि जो नीचे की तरफ पोर्शन है ये जाके एक दूसरे में फंस जाएगा और उसके बाद से इसके अंदर जब ड्रग को डालेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आपको जो भी फिल्टर में पेपर लाइफ में मिला हुआ है अवेलेबल है वो फिल्टर पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप इसके नीचे हल्का सा जो पोर्शन है सॉक्सलेट में, जो इनलेट का पोर्शन है जहाँ पे जहाँ से साइफन ट्यूब लगा हुआ है, वहाँ पे हल्का सा कॉटन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपका फिल्टर पेपर थोड़ा सा भी नीचे से गलता है, गलने का मतलब वाटर के बाद थोड़ा सा लूज होगा, तो लूज अगर होता है तो आप इसको जो है कॉटन का सपोर्ट दे देते हैं।
वैसे मैं क्या करता हूँ कि जो पोस्ट है, जो झालर के नीचे वाला पोर्शन है उसी के नीचे मैं कॉटन को डाल देता हूँ, जिससे प्रॉपर तरीके से आप देखें होंगे कि मैंने इसको राउंड कर लिया झालर काटने के बाद से। देखिए मैंने राउंड कर लिया, मैंने सीजर से इसको काटा है फिर राउंड कर लिया। राउंड करने के बाद से मैं इसको अंदर की तरफ डाल दूंगा सारा। ओके, अंदर की तरफ डालने के बाद हम ग्लास रॉड ले लेते हैं और ग्लास रॉड से थोड़ा सा इसको पुश करेंगे जिससे ये नीचे की तरफ बैठ जाए और इसको एक सपोर्ट मिल गया। आपको दिख रहा होगा इसके नीचे आपको एक सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कंडेंसर को निकाल लेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था, अगर ये ज्यादा वाइड है तो इसको और कम कर देंगे। इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। झालर अभी भी खुलेगा लेकिन हम इसको ग्लास रॉड से पुश करेंगे धीरे धीरे। इसके डालने से प्रॉपर ये फायदा होता है कि आपका जो ड्रग है वो चूक नहीं करेगा साइफन में, साइफन में चूक नहीं करेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करते रहेंगे और आपकी साइकिल चलती रहेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा कि आप इसको कैसे चूक करें। थोड़ा सॉफ्ट लिड का साइज हमारा छोटा है, लैब स्टैंडर्ड का है, तो थोड़ा सा जो भी आपका फिल्टर पेपर है वो जाने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, बट कोशिश करते रहिए। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हैंड आपका जितना अच्छा होगा, काम करोगे उतना ही अच्छा आप स्मूथली तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये मैंने जो भी फिल्टर पेपर है उसको मैंने इसका पैकिंग किया और इसको मैंने डाल दिया। अगर इसके बाद ही आपको डर लगता है कि कहीं हमारा चोक ना हो जाए, सॉक्सलेट असेंबली, सॉक्सलेट चैम्बर, इसके अंदर हम कॉटन भी डाल देते हैं, क्योंकि कॉटन डालने से होगा कि आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग जो भी कोर्स पाउडर आपने बनाया है, अभी इसमें मैं ड्रग नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा ड्रग खराब हो जाएगा। हम इसमें प्रैक्टिकल करते टाइम ड्रग डालेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर आप कोर्स पाउडर डाल लेते हैं। कोर्स पाउडर डालने के बाद से आप इसमें कंडेंसर को फिट कर लेते हैं। कंडेंसर को फिट करने के बाद से आप ऊपर की तरफ आप इसमें सॉल्वेंट अगर डालते हैं तो सॉल्वेंट आप देखिए जा रहा है नीचे, ठीक है। तो जितना भी ml आपको करना, आपको सॉल्वेंट डालना है, वैसे मैंने बेसिकली अभी इथेनॉल लिया है, इसको मैंने इस पर डाला है। और ये आप प्रॉपर तरीके से जब आप इसको पूरा फुल करोगे, एक बार आप देख लीजिए इसको, देखिए इसको फुल करते ही ये साइफलिंग होने लगा प्रॉपर तरीके, यानी हमारे पैकेजिंग में, हमारे सॉक्सलेट पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से पैकिंग किया है और इसको मैं साइफन कर रहा हूँ, देखिए प्रॉपर तरीके से। अब ये ऐसे ही वाटर कंडेंस होता है और ये साइफलिंग होती है, ऐसे ही हमको तीन साइफल करना है। पहला तो नॉर्मल ड्रग के साथ आपने सॉल्वेंट को डालते समय कर लिया, उसके बाद से आप साइकिल इसको हीटिंग करेंगे, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने हीटर को। जो भी हमारा हीटिंग मेटल है ऑन कर दीजिए, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप पहली चीज जो सॉल्वेंट सिस्टम लेते हैं उसका जो भी पैकिंग होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये कितने टेम्परेचर पे इनफ्लेमेबल है, यानी कितने टेम्परेचर पे ज्वलनशील है। तो आप उस टेम्परेचर को जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल लिया है तो वो कितने टेम्परेचर पर ज्वलनशील है, क्योंकि कोई बताएगा नहीं। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर कोई ग्लाइकोसाइड प्रोडक्ट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं,
आपने यहीं पढ़ा होगा कि कितने टेम्परेचर पे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, पढ़ा होगा कितने टेम्परेचर पे, लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको उसका मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे थर्मोलेवल सब्सटेंसेस हैं, तो आपके जब आपके डीनेचर हो जाएंगे आपके एंजाइम, तो आप कैसे उसको एक्सट्रैक्ट निकालने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उसके लिए टेम्परेचर रेंज रखते हैं, अगर कोई ग्लाइकोसाइडल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अलावा जो भी आप और अदर ड्रग लेते हैं तो उस पर आप सॉलिड सिस्टम पे जो भी बॉटल के ऊपर टेम्परेचर रेंज लिखा है, इंटरनल कितने टेम्परेचर पे है, आप उस टेम्परेचर पे आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो ये मैंने आपको आज सॉफ्टवेयर एपरेटस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीक में मैं फिर डालूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, कैसे उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, थैंक यू।